Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन होप डैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल आज की जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो है एम जी एम टी सिक्स वन फाइव ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जी डी बी नंबर वन इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो हमारे पास ट्यूसडे जनवरी थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है हमारे पास वो फ्राइडे फेब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थ्री फेब को इसकी लास्ट डेट है इसके जो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास वो फाइव हैं और क्वेश्चन टाइटल ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है डू यू थिंक ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसीडर अ कंपनी ओन ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी व्हेन रिस्पॉन्सिवनेस इज़ इम्पोर्टेंट वाई और वाई नॉट डिस्कस विद रेशनल इट मीनस डैट के आपने ये बताना है कि जो आपकी अगर कोई कंपनी है उस कंपनी को अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपनी ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए कंपनी ओन ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी इट मींस डैट कि कंपनी का अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए उसको अपने प्रोडक्ट्स को अपनी सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाने के लिए किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट ना करना पड़े कि वो दूसरी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके उसके बाद उनकी जो डिलीवरी जिस तरह हम करते हैं ना हमारे ये कंपनियां हम प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं और उसकी डिलीवरी के लिए हमने किसी दूसरी कंपनी को हायर किया होता है या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स की जो कंपनीज होती हैं तो टीचर ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमें अपना ही अपनी कंपनी में अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिवेलप करना चाहिए या हमें किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और अपने प्रोडक्ट्स को उस कंपनी के थ्रू अपने डिस्ट्रीब्यूटर और क्लाइंट्स तक पहुँचाना चाहिए इस बात का हमने बताना है कि हमें कौन से ऑप्शन पर जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए उसकी हमने रीजन बतानी है तो मैंने इसको सर्च किया ख्याल से इसका आंसर बनता है वो हम उस कंपनी को अगर उस कंपनी का फाइनेंसिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है उसको किसी किस्म के मैनेजमेंट इश्यूज नहीं है वो कंपनी के अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी और इतनी एफिशिएंसी है कि वो अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से लॉन्च करके उसको मैनेज कर सकती है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आए उनको वो डिलीवरेबल अच्छे दे सकते हैं उसके आउटपुट अच्छी ले सकते हैं तो फिर उस कंपनी को अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिवेलप करना चाहिए अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिवेल्प करेंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसके उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे एडवांटेज सबसे पहले तो वो उस कंपनी ख़ुद डेवलप करेगी एफिशिएंसी उनके अपने कंट्रोल में होगी ऑन टाइम वो अपनी चीज़ों को पहुंचा सकेंगे अपनी मर्जी से उनको सकेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए उन्होंने कहा कि वेन रिस्पॉन्सिवनेस इज इंपॉर्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आपने रिस्पॉन्स जल्दी देना हो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको आपने मद्दनजर रखते हुए करना है क्योंकि जब आप किसी दूसरी कंपनी के साथ इन टच होंगे ना तो जो दूसरी कंपनी होगी वो आपको ऑन द स्पॉट समटाइम्स उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगी उनकी टाइमिंग्स होंगी कि इस टाइम के अंदर आपने ऑर्डर प्लेस करवाना है इस टाइम पर डिलीवरी होगी तो वो थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती हैं लेकिन जब आपका अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा ना तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी आप ऑन द स्पॉट फ़ौर से आप उस चीज़ को डिलीवर कर सकेंगे जैसे ही आपके पास आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऑर्डर करेगा आपको किसी के अंडर रहने की जरूरत नहीं होगी आपके ड्राइवर्स अपने होंगे हो हो आपकी व्हीकल्स अपनी होगी आपका सिस्टम अपना होगा आपकी एफिशिएंसी अपने कंट्रोल में होगी आपने इन सारी ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह से जी में मैंशन करनी है अपनी वर्डिंग में मैंने यहाँ पर सोल्यूशन शो करता था सबने कॉपी वेस्ट करना था और किसी के मार्क्स नहीं आने थे फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा बहुत आंसर के लिहाज से बता देता हूँ आपने कंपनी ओन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस तरह से करके कुछ सर्च करना है ये आपके पास कुछ उसके रिलेटेड आ जाएंगे ट्रांसपेरेंट शिपिंग प्रोसेस आपने अपना करना है उसके एडवांटेजेस आपने खुद देखने हैं रेगुलर उसको अच्छे तरीके से करना है बिल्ड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप उसमें अगर है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ तो ठीक है ना तो आप सोल जो प्रोपार्टनरशिप पे आपने उसको करना है ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटिक आपने गाड़ियाँ ऑटोमेटिक सिस्टम आपने क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है ना कि आपकी कंपनी कौन सी है फूड की है तो आपने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है उसके बाद आपका टम्परेचर बेस्ड कुछ चीज़ें डिलीवर आपने करनी होती हैं तो वो सारी चीज़ें वो सारी टेक्नोलॉजी वो सारे सॉफ्टवेयर वो सारी ईच एंड एवरी आपने उसको कंट्रोल में रखना है तो ये आपने कुछ यहाँ से इसके लेने हैं उसके बाद आपने प्रायोरिटीज़ को डिटर्मन करना है रिड्यूस फ्राइट कॉस्ट जो आपने उसको रिड्यूस करना है इस्टेब्लिश बैलेंस आपने इस्टेब्लिश करके रखना है क्योंकि आपका पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में होगा क्वालिटी जो कैरियर्स हैं वो आपने अच्छे वाले चूज़ करने हैं उसके बाद की स्ट्रैटेजीज़ जो आपने फॉलो करनी है वो आपने सब कुछ एडवांस अच्छे तरीके से प्रॉपर एक शिपमेंट सिस्टम होना चाहिए ईच एंड एवरी थिंग आपके कंट्रोल में होनी चाहिए उस चीज़ को लेके नेक्स्ट आप यहाँ पे बता सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल का भी वही मतलब है कि कंपनी ओन्ड या कंपनी ओन्ड ना हो तो कौन से ऑप्शन पर जाना चाहिए यहाँ पर भी इसकी कुछ डिटेल वगैरह हमें दी हुई है कि आपने कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदे हैं क्या उसकी फ्लैक्सीबिलिटी बढ़ जाती है कमिटमेंट हमारे पास ज़्यादा हो जाती है रिसोर्स हमारे पास अपने हो जाते हैं उसके एडवांटेजेस हम अदर एडवांटेजेस भी बहुत सारे ले सकते हैं अगर उसमें कम्प्लेक्सिटी और इनसफिशिएंट हमारे पास अगर मटेरियल या फैसिलिटीज़ होंगी तो फिर वो हमारे लिए डिसएडवांटेजेस में आ जाएगी कंपनी ओन्ड सबसे पहला पॉइंट ही आपने यही लिखना है कि कंपनी के बाद रिसोर्सेज मैनेजमेंट एफिशेंसी कंट्रोल ईच एंड लेने के लिए उसके पास अगर एबिलिटीज हैं तो उस कंपनी को अपना सिस्टम बनाना चाहिए आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि बस उसको अपना सिस्टम बनाना चाहिए क्योंकि एक ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट और उस चीज़ को लॉजिस्टिक को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी स्किल है एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट उसको मैनेज करना आसान काम नहीं है तो इस वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी उसकी एफिशिएंसी उसकी आउटपुट उसकी डिलीवरेबल्स लेना उसको कंट्रोल करना वो चीज़ें मैनेज करना वो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बाद ही आप उस कंपनी को उस सिस्टम को अच्छे तरीके से चला सकते हो तो वो सिस्टम आपको इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का कंपनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये आप लाइंस यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही हैं आप इनको देख के अपनी वर्डिंग में री कर लीजिएगा आपकी जी का आंसर इसी के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा डिस्प्ले पर कर देता हूँ कंप्लीट आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है इंटरनल ट्रांसपोर्ट से इसको अपनी वर्डिंग में आपने री कर लेना है या जो बातें मैंने बोली हैं इन्हीं है, इन बातों को सुन के आपने अपनी वर्डिंग में री राइट कर लेना तब भी आपके जी डी पी का जो आंसर है वो कम्प्लीट हो जाएगा इसके अलावा अगर किसी का कोई इशू हो किसी को रेडी टू सबमिट फाइल चाहिए हो तो वो व्हाट्सअप पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपको रेडी टू सबमिट फाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी रेडी टू सबमिट फाइल के लिए आप रेडी टू सबमिट फाइल के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको व्हाट्सअप पे प्रॉपर रेडी टू सबमिट फाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी वर्किंग का इशू हो कोई भी असाइनमेंट क्विज़ जी डी बी इसके रिलेटेड कोई काम हो तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़